तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरा नाम है विजय और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल वियारियन मेडिकल स्टडी में। तो हम लोग स्टार्ट किए थे अपना पीबी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जो पीओसी थर्ड है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग 4 और सब्जेक्ट का लेक्चर कुछ ना कुछ शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, देखो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीएल सिस्टम, अपनॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर सीक्वेंस रूल, आरएस सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो पहले शुरू करते हैं नॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ओके। तो देखो नॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्लेचर ऑफ जो है, ये नॉर्मल क्लेचर है, ठीक। इसको हम लोग 2 टाइप्स में देखने वाले हैं यहाँ पे, एक रिलेटिव और एक देखने वाले हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एक देखने वाले हैं एब्सोल्यूट। और जो रिलेटिव है ये किसी को रिफरेंस में लेके बताया जाएगा, ठीक है। ये किसी को रेफरेंस में लेके बताया जाएगा, जो एब्सोल्यूट है ये बिना रेफरेंस के रहेगा, ठीक है, ओके। इसमें कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। जैसे इसमें रेफरेंस में लेंगे हम लोग ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक, जो साइंटिस्ट ने शुरुआत में दिया था तो वो ग्लिसरेल्डिहाइड पे ही मतलब बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं, देखो नॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक। द डीएल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई फिशर एंड रोजनहॉफ इन अराउंड 1900। यानी कि जो डीएल सिस्टम है, देखो इसमें वही देखने वाले हैं डीएल सिस्टम, ठीक है। डीएल सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा बहुत बात करेंगे इसमें। तो डीएल सिस्टम जो है पहले सबसे पहले डेवलप किया था किसने? इमिल फिशर ने एंड रोजन आपने, वो भी किसमें? 1900 में, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असाइन कन्फिग्रेशन ऑफ इनेंसियोमर ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन एलोन। देखो ये अगर देखा जाए तो रोटेशन के बेसिस पे जो था कि देखो ये बहुत अजीब था, मतलब करने में दिक्कत हो रही, उसको जो नंबर देने में हम लोग दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इन्हें जो था बेसिस ऑफ रोटेशन के बेसिस पे, ठीक है, रोटेशन के बेसिस पे देखा जाए तो उस समय कुछ दिक्कत हो रही, जल्दी हो नहीं पा रहा था, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे इमिल फिशर जो हैं वो दिए, मतलब अभी देखते हैं उसको, यही दिए हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमिल फिशर यूज 2 फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, फर्स्ट एंड सेकेंड एज स्टैंडर्ड। तो इन्होंने 2 फॉर्म दिया ग्लिसरल्डिहाइड का, देखो एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें हम लोग डीएल सिस्टम जो देखने वाले हैं, डी और एल सिस्टम, डी जो होता है, डी मतलब देखो डेक्स्ट्रो, ठीक। और इसका देखो ये होता है डेक्स्ट्रो, पहले देखो ये लैटिन वर्ड से हुआ तो इसका मतलब था डेक्स्टर, क्या था? डेक्स्टर, ओके। इसका मतलब डेक्स्टर होता है और ये इसका मतलब होता है लेवस, ठीक। और इसका लेवस का लेफ्ट और डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो या राइट, ठीक है। इसको हम लोग डेक्स्ट्रो और इसको लीवो फॉर्म बोलते हैं, ओके। लैटिन वर्ड से क्या निकला था? डेक्स्टर, यहाँ पर लिख देते साहब, यहाँ डेक्स्टर निकला था, ठीक है, और यहाँ लेवोस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्टर, और इसको बोलते हैं लेवोस, ठीक है, डेक्स्टर और लेवोस। और फिर इसके पास हम इसको बोलते हैं राइट और इसका मतलब होता है लेफ्ट, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो लेफ्ट होता है, अब उसमें भी देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है इसको, क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और जो राइट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, ओके। तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये अपना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसमें जो कुछ रूल्स बताए गए हैं उस रूल्स को हम लोग फॉलो करके हम बताएंगे कि कौन सा हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर रहा है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, उन सबको रूल्स को देखा जाए। तो रूल्स देखने से पहले देखो पहले हम थोड़ा सा ये और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड का बनाया गया है, देखो ये है, और फिर इसका मिरर इमेज यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज। तो OH इधर आके शिफ्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो ये डी ये किधर गया है, पर ये किधर है? डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, ठीक है, राइट है, ओके। तो यहाँ क्या बताया गया? डी प्लस या ग्लिसरल डी आई, ठीक है,
डी को हम प्लस से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पर देखो क्या है, लिफ्ट है, जो कि ग्लिसरल डी आई एल से यहाँ पर डिनोट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, यूज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर इनेंसियोमर ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर देखो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये यूज किया जाता है, ओके। एंड ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कन्फिग्रेशन, जो भी हम शुरुआत में देखे हैं इसको हम रिलेटिव कन्फिग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा इसका कुछ जो फिशर प्रोजेक्शन है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिशर प्रोजेक्शन। पहले उसके ये तो हम लोग देख चुके हैं, डी बर डेक्स्टर, उसके बाद डेक्स्ट्रो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर राइट, यहाँ प्लस साइन से भी इसको दिखाते हैं, एल लेवस या लेफ्ट, या यहाँ पर लिवोफार्म से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको फिशर प्रोजेक्शन ने हम लोग क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई 3D डायग्राम है, ठीक है, कोई 3D डायग्राम है, उसको हम 2D यानी कि पेपर पे कैसे लिख सकते हैं, 2D फॉर्म में या पेपर पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक। तो उसी को किसने बताया, फिशर ने, इविल फिशर ने उसी को यहाँ पर बताया है, ठीक है, कि जो 3D फॉर्म में कंपाउंड होते हैं उसको हम 2D फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक। तो देखो, अ फिशर प्रोजेक्शन इज ए कन्वीनियंट 2D ड्राइविंग द रिप्रेजेंट अ 3D मॉलिक्यूल, ठीक है। 3D मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने पेपर पे, वो भी 2D ड्राइंग करेंगे, ठीक है। और डेवलप बाय इविल फिशर, जो कि इविल फिशर द्वारा डेवलप किया गया, ओके। और इन दिस मेथड कार्बन चेन इज ऑलवेज वर्टिकल, और इसमें जो कार्बन चेन होगा, ठीक है, कार्बन चेन इसमें हमेशा वर्टिकल होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड हम लोग ले रहे थे, यहाँ पे एक CH3 ले लिए और यहाँ पर C और यहाँ पर H कर दिए, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, ठीक है। ये देखिए ये 3D फॉर्म में है, तो इस 3D फॉर्म को हम जब करेंगे, ये ऐसे ये 3D फॉर्म को जब हम पेपर में मतलब 2D फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो ये जो है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन करते हैं, ठीक है, ये ऐसे H और OH यहाँ, और यहाँ पर CH3 पहले है और यहाँ पर COOH, बट अभी हम प्रियोरिटी किसको देंगे, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होते हैं उसको हम लोग प्रियोरिटी देते हैं, तो इस हिसाब से ये जो जाता है ऊपर चल जाता है, ठीक है, और ये CH3 नीचे चला आता है, ठीक है, और ये H और ये OH, ओके। तो ऐसे दिखाएंगे हम लोग किसको, अपने फिशर प्रोजेक्शन को, ओके। तो देखो, इन दिस मेथड कार्बन चेन इज ऑलवेज वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइंस रिप्रेजेंट अदर ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है रिप्रेजेंट अदर ग्रुप, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को जो हम दर्शा रहे हैं, ये देखो ये जो O और S था ये हॉरिजेंटल लाइन को दर्शा रहा है, ठीक, अदर ग्रुप जो होंगे उसको, लेकिन जो कार्बन का होगा वो हमेशा वर्टिकल होगा इसमें, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। सो इसमें यही बताया गया, और रूल्स जो है हम लोगों को डी और एल कैसे मतलब इसमें बताया जाएगा वो थोड़ा सा रूल्स देखते हैं। पहले ये दो रूल देख लेते हैं कि रोटेट अ फिशर प्रोजेक्शन 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री रोटेट करेगा, ओके, कितना, 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी है, तो ये W हो गया और ये अभी दिखाते हैं आपको, ये Z और ये X, ठीक है। तो ये जो है देखो यहाँ पर रोटेट हुआ है, W आ गया यहाँ से, ये जो W है ये रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, अभी देखो ये रोटेट करके यहाँ आया, जो W है यहाँ पर आ गया, ठीक, तो यहाँ W हो गया, ओके। और ये जो है यहाँ से, और Y जो था, Y वो 180 रोटेट किया तो Z की जगह पे आ गया, ठीक, तो ये Z की जगह पे गया, ठीक, और Z जो है, ठीक, अभी देखते हैं, Z जो है रोटेट किया आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, Z जो है रोटेट किया 180 डिग्री, तो वो कहाँ पे आया, W की जगह, तो यहाँ पर Z हो गया, ओके। तो ये ऐसे हो गया, और X जो है, एक इसमें देखो तीन रोटेट कर सकते हैं, एक जो अपना रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट मतलब एक जगह पे ही रहेगा, ठीक है, एक को रोटेट नहीं कर सकते, केवल वाली 3 मतलब एटम या मॉलिक्यूल को रोटेट हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो बना भी है, और यू कैन रोटेट एनी 3 सब्स्टिट्यूएंट, देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ऑन ए फिशर प्रोजेक्शन वाइल होल्डिंग 1 सब्स्टिट्यूएंट फिक्स्ड, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट हमेशा हमारा फिक्स्ड रहेगा और 3 को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ओके। अब उसके बाद देखो रूल नंबर 3 की क्या कहता है, देखो रूल नंबर 3 कहता है चेन ऑफ कार्बन इज ऑलवेज वर्टिकल, क्या चेन आपका वही बताएगा कि जो कार्बन की चेन होती है हमेशा वर्टिकल होती है,
एलाइड विद द पीरियोडिक ग्रुप एट द टॉप। कार्बन के चेन हमेशा वर्टिकल रहेगा और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज रहेगा, या मतलब देखो यहाँ पर लाइन विद प्रायोरिटी ग्रुप एट द टॉप, जिसको प्रायोरिटी ग्रुप हम लोग मानेंगे उसको हम टॉप पे लिखेंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर सिल्वर यूज को दर्शाया था, या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो होंगे उनको हम टॉप पे दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो इसका इस लाइन का मतलब है। और चेक बॉटम कायरल कार्बन इफ इट कंटेन ओ एच एन एच टू एट राइट साइड, सो इट्स रिप्रेजेंट बाई डी, कंटेंस एट लेफ्ट साइड देन रिप्रेजेंटेड बाई एल। इफ ओ एच, देखो यहाँ पर अभी हम समझा रहे हैं इसको एक मिनट। इफ ओ एच एंड एन एच टू बोथ रिप्रेजेंट, सो डी एल डिसाइड इज डिसाइडेड बाई एन एच टू मोर प्रिफरेंस, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर ओ एच है, ओके ओ एच है, यहाँ पर सी एच सी डबल एच यहाँ पर हो गए, एच सी हो गए, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच टू ओ एच। देखो इसको हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं क्या, यहाँ पर डी दर्शा रहे हैं, ठीक। कौन सा डी, क्या मतलब राइट, यानी कि ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है या राइट रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका राइट रोटेशन हो रहा है, और इसके बाद जब वो इसका मिरर इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे, ठीक है। मिरर इमेज जब फॉर्म करेंगे तो जो ओ एच होता है इधर आ गया, और ये सी और ये एच, देखो जब मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो ओ एच इधर आ गया और सी इधर, यहीं एच इधर और सी एच ओ ये और सी एच टू ओ एच यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो ये है अब ये लेफ्ट पे आ गया, ठीक है, लेफ्ट पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डी राइट हो गया, एल यहाँ पर लेफ्ट हो गया, ओके। तो ये क्लियर हुआ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और एन एच टू भी रहेगा तो उसको भी ऐसे दर्शाएंगे, ठीक। एन एच टू हुआ तो भी डी और यहाँ पर, बट एक जगह देखो, बस दूसरे लाइन का मतलब देखो। इफ ओ एच एंड एन एच टू बोथ रिप्रेजेंट, ठीक है, एक मिनट वेट। मान लीजिए जैसे कि सिल्वर ओ एच और यहाँ पर एच, यहाँ पर एन एच टू और यहाँ पर ओ एच एच सी एच थ्री। अब देखो यहाँ पर एन एच टू भी प्रेजेंट है और ओ एच भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इससे ना देखेंगे कि ये हमारा किस पे है, अभी इसका मिरर इमेज करेंगे तो इससे फॉर्म होगा। तो ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखे तो इसको लेफ्ट बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पर देखे थे तो इसको लेफ्ट बता रहे थे, बट यहाँ पर हम लेफ्ट नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, एन एच टू को प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जब एन एच टू को प्रायोरिटी देंगे, मतलब एन एच टू को प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर हमारा एल ना होके डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, ठीक, डेक्स्ट्रो, ओके। तो ये क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर ओ एच और एन एच टू एक में अगर दो हैं, जैसे एन एच टू भी है ओ एच भी है, तो वहाँ पर हम लोग एन एच टू को प्रायोरिटी देंगे, ओके। सो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो एक एग्जांपल भी एन एच टू का, यहाँ पर केवल एन एच टू का, तो यहाँ पर वही है डी और यहाँ पर एल, वो लेफ्ट हुआ तो एल हो गया, ठीक है। सो अब आता हमारा सीक्वेंस रूल, और देखो यार अगर ये सीक्वेंस रूल हम लोगों ने देख लिया तो आगे का भी जो हम लोग आर एस सिस्टम पढ़ेंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्वेंस रूल क्या कहता है, देखो सिक्वेंस रूल को हम लोग सी आई पी रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जो हमारा सिक्वेंस रूल है, सिक्वेंस रूल उसको हम लोग सी आई पी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और सी आई पी का मतलब देखो क्या है, कान इंगोल्ड एंड प्री लॉग, ये सी आई पी का मतलब है, ठीक है। और देखो दीज रूल्स आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन आर एस सिस्टम एंड ई जेड सिस्टम। और जो ये रूल है, ये जो सिक्वेंस रूल इसमें दिया गया है, ये देखो आर एस सिस्टम और ई जेड सिस्टम अभी हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, तो ये दोनों मतलब आर एस सिस्टम में भी और ई जेड सिस्टम में भी, दोनों में ये लागू होता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं रूल नंबर वन इसका क्या है, कि द एटम विथ हाइएस्ट एटॉमिक नंबर देन गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो यहाँ पर बी आर हो गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी एल और यहाँ पर एफ और यहाँ पर एच। देखो यहाँ पर पहला रूल क्या कहता है, कि जिस एटम का हाइएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको हम पहले नंबर को, मतलब पहला नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। पहला नंबर जिसको असाइन करेंगे यानी कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, बस इतना कहने का मतलब है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम लोग फर्स्ट असाइन करेंगे, मतलब पहले नंबर उसको देंगे, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले ज़्यादा नंबर किसका हो सकता है,
Br का, दूसरे नंबर पर क्लोरीन का, तीसरे नंबर पर फ्लोरीन और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट करेगा, ये देखो ये ऐसे रोटेट किया, ठीक। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हम लोग इसको किससे दिखा रहे हैं, देखो ये किधर घूम रहा है। तो देखो रूल नंबर वन क्या कहता है, द एटम विथ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देन गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया कि जिस एटॉमिक नंबर, जो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एटम है उसका अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर उससे जो कम है उसको सेकेंड, उससे फिर थर्ड, फिर उससे जो लोएस्ट है उसके सबसे लोएस्ट करके देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। और सेकेंड जो कहता है, देखो अभी ये सेकेंड में नहीं, हम लोग वैसे भी मान सकते हैं, सेकेंड भी मान सकते हैं, ठीक है। इफ द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट आर अटैच द एटम विथ हायर मास नंबर इज गिवेन हायर प्रायोरिटी। अब देखो इसमें ये है कि मान लीजिए अगर कोई दो है, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डी है और एच है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है, ठीक है। एच और डी, जैसे कि डी मतलब डी बराबर होता है ड्यूटेरियम, ठीक। और जो ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के आइसोटोप हैं, ठीक। दोनों के जब आइसोटोप हैं तो इन दोनों में से सबसे प्रायोरिटी किसको हम लोग देंगे, डी को, क्योंकि इसका अगर देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो इसका हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा सो उससे पहले इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर असाइन किया गया, और यहाँ पर देखो कार्बन से सेकेंड हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक। तो यहाँ पर यह किया गया, और फिर यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर फोर्थ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दूसरा। और देखो तीसरा रूल क्या कहता है, इफ द एटम्स अटैच टू द काइरल कार्बन आर सेम, वी डिटरमाइन प्रायोरिटी बाय गोइंग टू नेक्स्ट एटम अवे फ्रॉम द काइरल कार्बन। देखो यहाँ पर ये बताया गया, जैसे ये कार्बन है, तो देखो पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो जैसे ये हमारा काइरल कार्बन, काइरल कार्बन से अटैच है ये तीन कार्बन अटैच है, ये फोर्थ पे केवल हाइड्रोजन, तो इसको भी सबसे छोड़ते हैं क्योंकि ये तो लोवेस्ट ही जाएगा। सो पहले हम ये तीन देखते हैं, तो यहाँ पर तीन देखते हैं, तो देखो सी सी सी, पहले सबका कार्बन सी है, ठीक है। तो इससे हम लोग पता चल गया कभी सब पे पहले कार्बन सी है। फिर उसके बाद देखो एस थ्री, तीन हाइड्रोजन अटैच है, फिर यहाँ पर दो हाइड्रोजन और तीसरे पे कार्बन हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन हो गया, ठीक है, ओके, ये क्लियर है। अब देखो ये पहले दूसरे पे हो गया, फिर उसके बाद देखो फिर कार्बन अटैच हो गया, यहाँ पर तीन कार्बन, तीन हाइड्रोजन अटैच है, बट यहाँ पर देखो फिर एक कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। यानी कि उससे ज़्यादा ये हो गया, ठीक। इसका मतलब यही है कि दूसरे पे हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला, ठीक, ये सी एच टू, और फिर यहाँ पर भी देखो सी एच टू, एक कार्बन, देखो यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, देखो मान लो जैसे कि ये सी एच टू है और सी एच थ्री है, ठीक है, और ये अपना सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री है। और जब ये सी एच टू है, इसको देखो सी एच टू ये है, और ये भी सी एच टू है, ठीक है। ये दोनों देखो अभी सी एच टू, यहाँ तक बराबर है। अब फिर उसके बाद देखो सी एच थ्री है, अब सी एच एक दो तीन ऐसे हो गया। अब देखो ये भी सी एच टू है, ठीक है, एक एच, एक एच। अब फिर देखो यहाँ पर देखो एक कार्बन अटैच हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया तीसरे पे, यहाँ पर तीसरे पे कार्बन हो गया। सो उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गया इसका, जब उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे, ठीक। और फिर दूसरे पे इसको देंगे, फिर तीसरे पे इसको दे दिए, चौथे पे इसको, ठीक है। तो ये अपना इस हिसाब से इसको प्रायोरिटी हम लोग दे दिए, ओके। अब फिर देखो अ डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज थ्रू ईच एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड वी आर बॉन्डेड टू एटम्स एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर ईच एटम वी आर बॉन्डेड टू थ्री एटम्स, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वाला देखो, इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच इज ऑन वर्टिकल लाइन, यानी कि जो हमारा देखो यहाँ पर कार्बन काइरल कार्बन है, ठीक है, ये जो काइरल कार्बन है उससे देखो अटैच्ड एक सी एच थ्री ग्रुप, ओ एच ग्रुप, एच एंड क्लोरीन, ओके। अब ये चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो पहले क्या, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच इज ऑन अ वर्टिकल लाइन, यानी कि जो हमारा सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है उसको हम लोग देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम लोग बॉटम में रखेंगे, बट यहाँ पर देखो क्या है, इज ऑन अ वर्टिकल लाइन, किस पे रहेगा, वर्टिकल लाइन पे रहेगा, ठीक है। और ये देखो 1, 2, 3 इस हिसाब से गया है, तो ये एस का एस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस हिसाब से गया एंटी क्लॉकवाइज, ओके।
ये ऐसे गए एंटी एंटी क्लॉकवाइज। ओके अब देखो हमारा शुरू होता है आर्य सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो इट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। देखो ये जो आर्य सिस्टम है वो यूज होता है किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए। और इसमें जो होता है आर, जैसे इसमें जो होता है आर और एस, ये देखो ये रिलेट नहीं करता है गेस्ट्रो और लीवर से, मतलब उससे रिलेट नहीं करता है। आर मतलब ये देखो रेक्टस होता है और एस सिनिस्टर होता है। ठीक है सिनिस्टर, ठीक, और आर बराबर देखो यहाँ पर राइट होता है, राइट और यहाँ पर लेफ्ट। ओके जो ये घुमा लेफ्ट और इससे ये घुमा राइट। ओके अब उसके बाद देखो डेवलप, वही तीनों साइंटिस्ट यानी कि इसको CIP रूल्स वही लगेगा। तो देखो डेवलप हुआ था किसके द्वारा, आर एस कैन और सी के इंगोल वी प्री लॉग। सो इट ऑल्सो नोन एज CIP सिस्टम, और इसलिए हम इसको CIP सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद देखो आर्य सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिक्वेंस रूल और CIP रूल। ठीक है, ये सिक्वेंस रूल पे बेस्ड होता है हम, और इसको हम दूसरे नाम से CIP रूल्स के नाम से जानते हैं, और जो कि सिक्वेंस रूल अभी हम लोगों ने देख लिया इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, द एटम ग्रुप अटैच विद ए काइरल सेंटर। जो हमारा एटम होता है या ग्रुप होता है वो अटैच होता है किससे, हमारे काइरल कार्बन से या काइरल सेंटर से अटैच होता है। आर असाइन विथ ए नंबर अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस रूल, और सिक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक नंबर असाइन करेंगे, और कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। और दूसरा देखो रूल्स इसमें क्या बोलता है, देखो दूसरा रूल्स इसमें क्या बोलता है कि नाउ इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन अ वर्टिकल लाइन, अगर देखो नाउ यदि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन अ वर्टिकल लाइन, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है अगर वो वर्टिकल लाइन पे है, देन रोटेशन ऑफ 1, 2, 3 इज क्लॉकवाइज। अगर 1, 2, 3 हुआ तो क्लॉकवाइज होगा, देन मस्ट बी आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो उस समय हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके यहाँ तक समझ में आया कि अगर देखो वो क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन पे है। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे है और हम उसको 1, 2, 3 मतलब उसको असाइन कर दिए नंबर, तो क्लॉक वाइज अगर है तो उस समय हम उसको आर कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट करेंगे या होगा वो। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर अगर रोटेशन मान लीजिए जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स पे अगर हमारा रोटेशन 1, 2, 3 हुआ, 1, 2, 3 वो भी एंटी क्लॉक वाइज हुआ, सो कॉन्फ़िगरेशन इज द एस। ओके, जब कॉन्फ़िगरेशन यस हुआ तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसमें ये एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। ठीक है, वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। देन तीसरा है, बट इफ द लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप यानी कि जो हमारी लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप है इज एन होरिजेंटल लाइन, अगर मान लीजिए जब होरिजेंटल लाइन है देन रोटेशन अगर हमारा 1, 2, 3 हुआ और क्लॉक वाइज हुआ, देन हम क्या उसको करेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करेंगे। ठीक है, जब एन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, उसके बाद देखो अगर रोटेशन हमारा 1, 2, 3 है बट इज एंटी क्लॉक वाइज, देन हम उसको क्या कर रहे हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी है। देखो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसको हमने दिया, ठीक, फर्स्ट पे, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, और ये देखो किस तरीके से जा रहा है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। ठीक, जैसे होता है ये घड़ी आई यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये चल रही, ठीक है, ये ऐसे करके चली, तो इसको हम लोग क्या, क्लॉक वाइज यानी कि हम लोग यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन से दिखा रहे हैं। और ये देखो ये ऐसा उल्टा आ रहा है, ठीक है, ये घड़ी से यहाँ मान लो घड़ी है, यहाँ 12 बज रहे, तो ये देखो घड़ी ऐसे चलती है, तो ये यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। ठीक, ये ऐसे आ रहे, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन दे, यानी कि ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं। और दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, तो एग्जाम्पल दो लिख सकते हैं बहुत है। और उसके बाद देखो सिक्वेंस रूल आल्सो इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक, यानी कि जो हमने पिछला देखा है अभी सिक्वेंस रूल, और जब इसमें पूछता है तो ये 10 नंबर में पूछता है, 7 नंबर में पूछता है, सो सिक्वेंस रूल जो चारों हमने देखा है एग्जाम्पल के साथ वो इसमें हम लोग इंक्लूड करना है। ठीक, हमें इंक्लूड करना है इसमें। ओके, तो इसमें हम लोग शुरू मतलब देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ काइरल मॉलिक्यूल्स। ठीक, और रिएक्शन ऑफ काइरल मॉलिक्यूल्स के बाद देखेंगे रेज़मिक मॉडिफिकेशंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेज़मिक पिक्चर और एसिमेट्रिक सिंथेसिस पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। ठीक, तो देखो
इसमें क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ काइरल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ काइरल मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें रिएक्शन किसमें है, काइरल मॉलिक्यूल्स का। तो काइरल मॉलिक्यूल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा काइरल मॉलिक्यूल्स होता है यानी कि काइरल कार्बन होता है उससे मतलब फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक, अगर फोर, देखो यहाँ पर फोर डिफरेंट ग्रुप दिखाया गया है कि फोर डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। अब इसमें देखो रिएक्शन है, रिएक्शन देखो इसमें तीन टाइप्स के होंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इन्वर्जन, सेकेंड रिटेंशन, थर्ड इज रेसमाइजेशन। ठीक है, और देखो ये तीनों जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग अब धीरे धीरे देखते हैं। तो पहले देखो इन्वर्जन देखेंगे, इन्वर्जन में क्या होता है वो देखते हैं कि इन दिस रिएक्शन काइरल मॉलिक्यूल्स, इन दिस रिएक्शन काइरल मॉलिक्यूल्स चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें यही होता है कि इस रिएक्शन में हमारा जो काइरल मॉलिक्यूल्स होता है चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो होता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, यानी कि जैसे रहेगा वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ होता है ना, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज यानी कि बोल सकते हैं मिरर फॉर्म कर देता है, जिस हिसाब से रहेगा वो बस चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर डी कॉन्फ़िगरेशन है एल में हो जाएगा, अगर एल कॉन्फ़िगरेशन है तो डी कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, अगर एस कॉन्फ़िगरेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और आर कॉन्फ़िगरेशन है तो एस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक दूसरे से चेंजिंग हो जाएंगे ये सब। ठीक है, तो जो रिएक्शन यहाँ पर देखो किया गया है, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है यस आइसोमर करके, और यहाँ पर NaOH से रिएक्ट कराया गया। ठीक, और NaOH से जब रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पर देखो ये जो है ये आके मतलब पीछे से अटैक कर रहा है। ठीक, जो पीछे से अटैक कर, कौन हमारा कर रहा है, OH। ठीक है, NaOH है तो OH जो है पीछे से आके अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर आके जुड़ना चाह रहा है। ठीक, यहाँ पर आके जुड़ना चाह रहा है, तो ये देखो Cl यहाँ से, ये Cl यहाँ से निकलने की कोशिश, अब ये जो आके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये अभी ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसके बाद देखो ये फॉर्म क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो आ गया वही। ठीक है, ये CH3 7 जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, और जो OH अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक है, तो ये हो गया R, ये देखो R आइसोमर शो कर रहा है। ठीक, तो ये इन्वर्जन हो गया। और रिटेंशन में देखो क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। किसमें, रिटेंशन में कोई चेंज नहीं होता, जैसे है अगर रिएक्शन भी कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तुम कुछ भी करो हम बदलने वाले नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक जैसे यस का लो या डी का लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वैसा ही रहेगा, यस रहेगा या डी रहेगा। ठीक, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी रिएक्शन करा लो। ओके, तो ये रिटेंशन है। अब उसके बाद देखो आता है तीसरा जो हम लोगों का है, तीसरा जो है रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमाइजेशन में जो है इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्ट इंटू ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, और इसमें जो है ऑप्टिकल जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में। ठीक है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। देखो यहाँ पर CH3 है, और देखो यहाँ पर दो OH है, मतलब दो H है, तो इस हिसाब से ये काइरल कार्बन नहीं है। ठीक है, काइरल कार्बन नहीं है, तो फिर जब Cl से रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर जब Cl से रिएक्शन कराते हो तो इस जगह पर आके ये इसको रिप्लेस कर देता है, जब रिप्लेस कर देता है तो ये देखो यहाँ पर मतलब एक दो तीन चारों इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं, इसके भी चारों डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर देखो R शो कर रहा है, अगर इसको प्रायोरिटी देंगे तो देखो पहला इसको देंगे, दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, तो इस हिसाब से जाएगा तो R हो गया। अब यहाँ पर देखो ये इस हिसाब से जाएगा। ठीक, ये इस हिसाब से जब इधर गया तो यहाँ पर देखो S दिखा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रेज़मिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब रेज़मिक मॉडिफिकेशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो रेज़मिक मॉडिफिकेशन में अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ इनेंसियोमर्स इज कॉल्ड अ रेज़मिक मॉडिफिकेशन, अ रेज़मिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जो मिक्सचर होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में होते हैं, किस आप किसके, इनेंसियोमर्स के, इनेंसियोमर्स के इक्वल पार्ट्स के मिक्सचर्स को क्या हम लोग कहते हैं, रेज़मिक मॉडिफिकेशन या रेज़मिक मिक्सचर्स। ठीक है, देखो सच रेज़मिक मॉडिफिकेशन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रेज़मिक मॉडिफिकेशन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज क्यों होता है वो देखो, देखो सच रेज़मिक मॉडिफिकेशन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों होता है, मतलब जो हमारा
ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो क्या होता है वो देखते हैं, बिकॉज द रोटेशन काज बाय मॉलिक्यूल वन आइसोमर इज कैंसल बाय। देखो इसमें कैसे होंगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो क्या दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो देखो। जैसे मान लो पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये जो आ रहा है ये ऐसे जा रहा है, मतलब ठीक है ये स्ट्रेट है यहाँ से है, तो ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये आ रहा है ठीक है। आने के बाद ये अभी अगर मान लो ये ऐसे जा रहा आर हो गया ठीक, आर हो गया फिर यहाँ से अपना एक और आ रहा है और 50% मान लो ये 50% आ रहा है तो 50% यस का है, तो ये भी जब इस पर आ रहा है ठीक, तो ये इस हिसाब से तो ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। जब न्यूट्रल हो जाते हैं ये सीधे चला जाता है ठीक, जब सीधे चला जाता है ये जब स्टेट में जाता है तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ठीक है, ये दूसरे को एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर देते हैं न्यूट्रल बना देते हैं, तो इसका मतलब यही है। और फिर देखो इट इज डिनोटेड बाय डी एल एंड आर एस या प्लस या माइनस से या डिनोट करते हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीपीएल लाइट अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, अगर इसमें से रेजमी पिक्चर से पास आउट करा रहे हैं तो क्या होगा स्टेट पीपीएल यानी कि रिमेन वैसे ही रहेगा ठीक। और इसमें मेथड अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ रेजमी मॉडिफिकेशन में 5 to 6 मेथड आते हैं, तो देखो मिक्सिंग ठीक है, केमिकल सिंथेसिस, थर्मल रेजमाइजेशन, वेल्डन इन्वर्जन, इपीमेराइजेशन, म्यूटा रोटेशन ठीक है, म्यूटा रोटेशन ओके। तो ये रेजमिक मॉडिफिकेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर। देखो इसमें क्या होता है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ रेजमिक मॉडिफिकेशन इनटू इनेंसियोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है यूज किया जाता है सेपरेट अ रेजमिक मॉडिफिकेशन ठीक है, सेपरेट अ रेजमिक मॉडिफिकेशन इनटू किससे किसमें इनेंसियोमर से इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ठीक। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ रेजमिक मॉडिफिकेशन इनटू इनेंसियोमर, इसमें देखो क्या होता है द प्रोसेस यूज टू, यह प्रोसेस जो यूज किया था सेपरेट अ रेजमिक मॉडिफिकेशन इनटू किसमें इनेंसियोमर में ठीक है इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ठीक। देखो सम इम्पॉर्टेंट मेथड यूज टू रिजोल्व रेजमिक मॉडिफिकेशन ठीक, कुछ मेथड है वो देखो कौन कौन से, बायो केमिकल मेथड्स या यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड्स भी बताया जाता है, और मैकेनिकल मेथड या मैकेनिकल सेपरेशन, केमिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट इज द मैकेनिकल मेथड, तो मैकेनिकल मेथड में देखो क्या होता है कि इट आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन मेथड, और इसको हम लोग पहले देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से नाम से जानते हैं, विच गिवन बाय लुईस पाश्चर, और इसको लुईस पाश्चर ने सन 1848 में दिया था। देखो ये एक रेजमिक मिक्सचर है ठीक है, जब रेजमिक मिक्सचर है तो इसमें देखो क्या करेंगे, देखो रेजमिक मिक्सचर का जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन देखो इन दिस मेथड रेजमिक मिक्सचर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल, जो देखो इसमें होता है जो रेजमिक मिक्सचर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल में ठीक है। जब क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है तो उस समय देखो बहुत क्रिस्टल आर डिफरेंट इन शेप, जो जैसे कि डी होगा ठीक है, डी है एल है, तो दोनों अलग अलग शेप में मतलब डिफरेंट शेप होंगे डिफरेंट साइज होगा, तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे देखो यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस, और मैग्नीफाइंग लेंस से हम लोग उसको देखेंगे, और देखने के बाद ट्वीजर दे आर सेपरेटेड, एक ट्वीजर होता है ऐसे कुछ पकड़ने वाला होता है जिससे हम लोग निकाल लेंगे सेपरेट कर लेंगे ठीक। और देखो इसमें लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है, और देखो दिस मेथड इज आल्सो लेबोरियस एंड इज लिमिटेड, और ये मेथड जो होता है मतलब लिमिटेड मेथड होता है, ओनली दोज केसेज इन विच द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू एनेंसियोमेरेटिक फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल इज पॉसिबल बाई सच मीन्स ठीक है। यानी कि देखो ये लिमिटेड है ठीक, और ये उसी केस में मतलब यूज किया जाता है जो आप लोग देखो ये उसी केस में यूज होता है जिसमें देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू एनेंसियोमेरिक फॉर्म, यानी कि जिसमें दो एनेंसियोमेरिक फॉर्म होते हैं यानी कि बनते हैं, तो इसमें बस ये वाला उसमें यूज होता है ठीक है। अब उसके बाद देखो केमिकल मेथड, अब केमिकल मेथड में क्या आता है, इन दिस मेथड इज दैट रेजमिक मॉडिफिकेशन इज कन्वर्टेड बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट इनटू अ मिक्सचर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स विच कैन दे बी सेपरेटेड। टू मेथड होते हैं, देखो इसमें पहले देखो क्या होगा दैट रेजमिक मॉडिफिकेशन इन दिस मेथड, यानी कि इसमें जो रेजमिक मॉडिफिकेशन होगा इज कन्वर्ट होगा बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट इनटू अ मिक्सचर डाइस्टीरियोमर, एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट होगा जिसके द्वारा ये कन्वर्ट होगा ठीक, किसमें कन्वर्ट होगा डाई स्टीरियोमर्स में, और जब डाई स्टीरियोमर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हम उसके बाद सेपरेट कर लेंगे ठीक है।
तो देखो टू मेथड होते हैं, एक प्रीफ्रेंशियल मेथड्स होता है या प्रीफ्रेंशियल क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, इन दिस मेथड अ प्योर क्रिस्टल, इन दिस मेथड यानी कि इस मेथड में अ प्योर क्रिस्टल ऑफ इनसियोमर एडेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ रेजविक मिक्सचर, और उसके बाद सेपरेट कर लेंगे। देखो इसमें जो होता है इन दिस मेथड यानी कि प्योर क्रिस्टल ऑफ इनसियोमर यानी कि इनसियोमर के प्योर क्रिस्टल ऐड कर दिए जाते हैं किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ रेजविक मिक्सचर यानी कि रेजविक मिक्सचर में वो ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब ऐड कर दिया जाए तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है जिसके द्वारा हम लोग उसे अलग कर लेते हैं। ठीक, दूसरा देखो फॉर्मेशन ऑफ डाई स्टेरियोमर। अब देखो इसमें क्या होगा, अ प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एडेड इनटू, इसमें भी देखो वही है, प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐड किया किसमें, रेजमिक पिक्चर में, रेजमिक पिक्चर में जब ऐड किए तो उसके बाद एंड दे फॉर्म डाई स्टेरियोमर। अब ये उस समय फॉर्म कर लेता है डाई स्टेरियोमर, जब डाई स्टेरियोमर फॉर्म कर लेता है देन फिर हम उसको किसी एसिड से, ठीक है, रिएक्ट कराते हैं। ठीक, जब किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें फिर इनेंसियोमर्स फॉर्म करेगा, जब इनेंसियोमर्स फॉर्म करेगा तब हम लोग उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो तीसरा क्या है, बायोकेमिकल मेथड। और हम लोग को पता है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल मेथड है, तो इसमें जो बायोकेमिकल है तो इसमें ये समझो, देखो इसमें क्या पहले देख लो, व्हेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अलाउड टू ग्रो इन रेजमिक कंपाउंड, रेजमिक मिक्सचर, ठीक है, रेजमिक कंपाउंड हुआ रेजमिक मिक्सचर, दे रिएक्ट विथ वन इनेंसियोमर एंड इट कंज्यूम्ड वनली, ठीक है, दे रिएक्ट विथ वन इनेंसियोमर एंड इट कंज्यूम्ड वनली, ये भी ध्यान रखना अभी बता रहा हूँ, देन अनोदर इनेंसियोमर कैन बी आइसोलेटेड अ प्योर कंपाउंड। देखो इसमें क्या होगा, मान लो ये एक रेजमिक मिक्सचर है, ठीक है, अब रेजमिक मिक्सचर है तो इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डाल दिया, ठीक, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डाल देते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी एक को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक, और किसी एक को जब कंज्यूम कर लेते हैं और कोई एक बच जाता है, जो दूसरा बचता है स्वयं उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, इसमें सिंपल सा कुछ है नहीं, ओके। अब उसके बाद तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी मेथड में देखो क्या होता है, इन दिस मेथड रेजोल्यूशन ऑफ द रेजिमेट इज अचीव्ड बाय पासिंग इट सॉल्यूशन ओवर अ कॉलम ऑफ अ फाइनली पाउडर्ड स्टार्च एड्सॉर्बेंट, द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब वन इनसियोमर एंड द सॉल्यूशन कम आउट फर्स्ट इफ कंटेनर्स इज इन वन इनसियोमर। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखते हैं कि मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है और ये यहाँ से ऊपर से एक कुछ कैपिलरी टाइप या ब्यूरो टाइप लगा दिया जाए या कुछ और है, ठीक है, लगाने के बाद ये ट्यूब आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एब्जॉर्बेंट भरा है और यहाँ पर हमने डी और एल दोनों कंपाउंड है, ठीक है, दोनों जो कंपाउंड डी एल और एल है और यहाँ पर एड्सॉर्बेंट कोई हम डाल रहे हैं, ठीक, जो एड्सॉर्बेंट डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है, देखो ऊपर से मान लो यहाँ पर एड्सॉर्बेंट हम रखे हैं, ऊपर से हमने डी और एल दोनों डाल रहे हैं और कुछ होंगे कि जो एक इसमें से एक को ये एड्सॉर्ब कर लेगा ऊपर के सरफेस पे, यानी कि सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को होगा कि वो धीरे धीरे छोड़ देगा, ठीक है, कुछ होगा मतलब धीरे धीरे वो नीचे आता जाएगा या कंटेनर में आ जाएगा और जो पहला आएगा उन लोग उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक, और ये होता है जो इन दोनों की रेट होती है बहुत अलग होती है, ठीक है, तो एक की रेट अलग होगी एक की रेट अलग होगी, तो जो पहले आएगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, फिर जो बाद में धीरे धीरे आएगा उसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक, इससे ये पता चल जाएगा। तो एग्जांपल में देखो यहाँ पर लिखा है कि मंडेलिक एसिड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग स्टार एड एड्सॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ठीक है, अब देखो इसमें आखिरी टॉपिक है, इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है असिमेट्रिक सिंथेसिस। और असिमेट्रिक सिंथेसिस में देखो क्या है, असिमेट्रिक सिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव डिसिमेट्रिक कंपाउंड काइरल कंपाउंड, जैसे इसको हम काइरल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स या अकायरल मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो असिमेट्रिक सिंथेसिस एक ऐसी सिंथेसिस है जो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव काइरल कंपाउंड हम लोगों को फॉर्म यही करना है, ठीक है, किससे फॉर्म होता है, अकायरल मॉलिक्यूल से, ठीक है, अकायरल मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है किसके प्रेजेंस में, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के प्रेजेंस में, ओके। तो ये असिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया। और यहाँ पर देखो ये भी दिया है कि मान लो ये रेजमिक मिक्सचर है, इसमें 50% डी है और 50% एल है, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें से कोई भी एक डाल देते हैं, चाहे डी डाल दें चाहे एल डाल दें, ठीक,
जब डालने के बाद एक ही डालते हैं तो यहाँ पर देखो अगर 50 है, अगर मान लो 10-20% ये डाल दिए या 30% मान लो ये डाल दिए, ठीक, तो 50% ये है, तो यहाँ पर ये डाल दिए 30%, तो ये 50-30-80 हो जाता है, ठीक। जब 80 हो जाएगा तो ये कुछ और रिफॉर्म कर लेगा, ठीक है, और मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा और कुछ कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखो टाइप्स इसके पार्शियल होता है और एक एब्सोल्यूट होता है, ओके। और पार्शियल में देखो, पार्शियल में वही होगा कि मान लो ये देखो, इन दिस प्रोसेस आर वन इन एनसीओमर इज ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट। वही हुआ कि मतलब जैसे 50-50 है तो हमने 20% एक डी को डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो डी डाल दिया। जब डी डालते हैं तो यहाँ पर देखो 70% हमको डी मिला, ठीक है, यानी कि पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव मिला, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर भी पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव मिला, और जो 30% है वो देखो क्या मिला हमको, ये अलग मिला, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 50-50 है तो इसमें हम 20% ऐड करते हैं डी, जब यहाँ पर 20% डी ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको 70% क्या मिलता है, डी, और ये भी कौन सा, पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है, इन दिस प्रोसेस द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू ओनली वन टाइप ऑफ एनसीओमर। और इसमें जो होता है ये जैसे डी है तो डी में पूरा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट करता है, चाहे डी हो चाहे एल हो, एक पूरा कंप्लीट कर देता है, पूरा एक कंप्लीट एनसीओमर आपको ये देता है, ठीक है, मे बी प्लस या मे बी माइनस, दोनों हो सकते हैं। इन दिस मैटर फिजिकल रिएजेंट लाइक सर्कुलर पोलराइज लाइट यूज या ईस्ट। देखो यहाँ पर पायरुविक एसिड है तो ईस्ट या लैक्टिक एसिड प्रेजेंट में डिहाइड्रोजिनेशन जब कराते हैं तो यहाँ पर देखो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे 50-50% था तो यहाँ 100% क्या बना हमारा, लैक्टिक एसिड, ठीक। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।